गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। 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 तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं विद एग्जांपल डिस्कस किया था, एंड आइगन वेक्टर, आइगन सिस्टम, आइगन फंक्शन, इनका मतलब क्या होता है वो भी डिस्कस किया था। तो आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू से रिलेटेड, जो TFR एग्जाम में पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, TFR 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 3x3 मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर एक अननोन क्वांटिटी है x, और ये बोल दिया गया है x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x जीरो नहीं है या नेगेटिव नहीं है, x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक अननोन क्वांटिटी है x एंड x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन टू हैव टू इक्वल आइगन वैल्यूज। इस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज इक्वल है ये बोल दिया गया, टोटल 3 आइगन वैल्यूज है उनमें से 2 आइगन वैल्यूज इक्वल है। Then find the value of x. अगर इस मैट्रिक्स का दो आइगन वैल्यूज इक्वल है तो x का वैल्यू क्या होगा? मतलब स्पेसिफिकली क्वेश्चन ये है, x के किस वैल्यू के लिए इस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज इक्वल आएंगे? क्वेश्चन ये है, x के किस वैल्यू के लिए गिवन मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज इक्वल आएंगे? x के बारे में सिर्फ ये बोला गया है जो x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना है, उसके पहले हमारे पास एक सपोज कोई 3x3 मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसके दो आइगन वैल्यूज इक्वल है जैसे क्वेश्चन में बोल दिया गया। अगर इसके दो आइगन वैल्यूज इक्वल हैं, सपोज हमने लिखा ए ए बी, तो 3 आइगन वैल्यूज है उसमें 2 इक्वल है ए, तो ए ए बी आइगन वैल्यूज है। तो बताइए इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज अगर ए ए बी है तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो? लास्ट क्लास में बताया गया था जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसके जो रूट्स हैं वही आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट्स है वही आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आइगन वैल्यू पता है ए ए बी तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं, इसके बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। एनीवन क्या होगा? लैम्डा माइनस ए इनटू लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस ए। बिल्कुल, लैम्डा इक्वल टू ए दो बार आया है, इसका मतलब लैम्डा माइनस ए ये फैक्टर दो बार आएगा, तो लैम्डा माइनस ए इनटू लैम्डा माइनस ए इनटू लैम्डा माइनस बी। देखिए इसी इक्वेशन के तीन रूट्स क्या होंगे, ए ए बी। ओके क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, और इसके अंदर ये एक फैक्टर है लैम्डा माइनस ए होल स्क्वायर, तो लैम्डा माइनस ए होल स्क्वायर इनटू लैम्डा माइनस बी इक्वल टू जीरो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस फॉर्मेट का होगा तो इस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज इक्वल आएंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंटेन्स ए परफेक्ट स्क्वायर टर्म, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट का एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म प्रेजेंट है। मतलब दो आइगन वैल्यू अगर इक्वल है तो ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म जरूर प्रेजेंट होगा। इस परफेक्ट स्क्वायर टर्म प्रेजेंट होने का मतलब ही एक फैक्टर दो बार आ रहा है तो एक आइगन वैल्यू जो है वो रिपीट करेगा। अगर सपोज बोला जाता 3 आइगन वैल्यूज इक्वल है, किसी मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यूज इक्वल है तो यहाँ पे होल क्यूब आता, यहाँ पे 2 आइगन वैल्यूज इक्वल है तो होल स्क्वायर आया है, 3 आइगन वैल्यूज इक्वल होता तो होल क्यूब आता। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं 2 आइगन वैल्यूज इक्वल है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में परफेक्ट स्क्वायर टर्म तो आना चाहिए, तभी दो आइगन वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है, हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्वेश्चन में कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, जो ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे किसमें आ रहा है, ऑप्शन गिवन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करके आइगेन वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमें पता है इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ऐसा एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म आना चाहिए, तभी दो आइगेन वैल्यूज इक्वल है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है गिवन मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, तो जनरल फॉर्म है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। तो जो 3x3 मैट्रिक्स है, और अब लिखें डिटर्मिनेंट 100√2 माइनस लैम्डा, सेकंड टर्म क्या था, एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो माइनस लैम्डा माइनस एक्स जीरो एक्स 100√2 माइनस लैम्डा। सो द आइगन वैल्यू इक्वेशन विल लुक लाइक दिस। डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो के अलोंग अगर आप डिटर्मिनेंट ब्रेक करते हैं तो देखिए आएगा 100√2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा इंटू 100√2 माइनस लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर, देन सेकेंड टर्म माइनस एक्स, जैसे डिटर्मिनेंट ब्रेक करते हैं, स्पेशल टेक्निक नहीं है, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू 100√2 माइनस लैम्डा माइनस जीरो, थर्ड टर्म तो जीरो ही आएगा। फर्स्ट रो के अलोंग डिटर्मिनेंट ब्रेक किया है, ठीक है, 100√2 माइनस लैम्डा इंटू दिस माइनस एक्स इंटू दिस माइनस दिस, ये तो जीरो है, थर्ड पार्ट जीरो, ऐसा नॉर्मल डिटर्मिनेंट ब्रेक करता है, कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, वही है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों पार्ट से कॉमन क्या जा रहा है, 100√2 माइनस लैम्डा, 100√2 माइनस लैम्डा, ये फैक्टर दोनों में कॉमन है, देखिए 100√2 माइनस लैम्डा दोनों पार्ट से अगर हम कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग पार्ट, ये 100√2 माइनस लैम्डा तो कॉमन चला गया, ये पार्ट बचेगा बेसिकली दिस, तो यहां से देखिए आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 100√2 लैम्डा एंड यहां पे बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे जैसे आ गया माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 100√2 लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में 100√2 माइनस लैम्डा तो कॉमन चला गया, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे ऑलरेडी प्लस एक्स स्क्वायर था तो प्लस 2x स्क्वायर, सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। अब यहां पे चेक कीजिए, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वही आइगन वैल्यूज हैं, तो एक आइगन वैल्यू तो यहां से पता चल जाएगा, लैम्डा 1 इक्वल टू 100√2, एक आइगन वैल्यू तो इस पार्ट से पता चल गया, इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 100√2 है। अब बताइए दो आइगन वैल्यू इक्वल आना चाहिए ना, दो आइगन वैल्यू इक्वल आने का मतलब परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, दो आइगन वैल्यू इक्वल आने का मतलब है परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, दैट मींस ये वाला जो पार्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए,
अगर परफेक्ट स्क्वायर टर्म में आ जाता है तो इस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे, और आपको ये चेक करना है एक्स के किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ सकता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा तो दो आइगन वैल्यूज ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगी। तो देखिए 100 रूट 2 माइनस लैम्डा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना चाहें ए स्क्वायर दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 50 रूट 2 होल स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर ये जो पार्ट है 100 रूट लैम्डा, इसको 2ab परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब जो पार्ट एक्स्ट्रा ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट भी तो करना है। तो देखिए प्लस 2x का तो पहले से ही था इसके अंदर, जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है उसका सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस 50 रूट 2 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो। जस्ट हमने क्या किया, जो सेकेंड टर्म था उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस परफेक्ट स्क्वायर आएगा तभी मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज इक्वल हो सकते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड किया, बैलेंस करने के लिए उसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2x स्क्वायर तो पहले से ही था। अब बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर में कब कन्वर्ट होगा, ये पार्ट जो है देखिए ये a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, लैम्डा माइनस 50 रूट 2 होल स्क्वायर। लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर तब बोलेंगे जब ये सेकंड पार्ट जीरो हो। वो सेकंड पार्ट अगर प्रेजेंट रहता है तब तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते, ये सेकंड पार्ट जीरो होना चाहिए। सेकंड पार्ट अगर जीरो आ गया तो ये जो टर्म्स है इसको आप लैम्डा माइनस 50 रूट 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो सेकंड पार्ट जीरो होना चाहिए तब यह परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब दो आइगन वैल्यूज इक्वल आएंगे। तो बताइए ये पार्ट जीरो होने के लिए एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लीजिए, दिस इक्वल टू जीरो, वहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25 आ रही है। लेकिन अगर हम इसको बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से करें तो नहीं सर सही रहेगा, एक ही बात है, एक ही बात, एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहां से कैलकुलेट करके देखो ये पार्ट जीरो होने के लिए एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 50 होना चाहिए, बट क्वेश्चन में मेंशन किया गया है एक्स पॉजिटिव है, एक्स जो है वो पॉजिटिव है तो एक्स का वैल्यू क्या लेंगे 50। इस पार्ट से आपको पता चलेगा एक्स का वैल्यू, ये जीरो होना पड़ेगा तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 50। तो यहां से हमें आंसर पता चलेगा, पॉजिटिव है तो 50 आंसर लिखेंगे। और देखिए यहां से आपको तीन आइगन वैल्यूज इक्वल भी आ गए, ऐसा नहीं है तीन आइगन वैल्यू इक्वल नहीं आएगा, ये पार्ट अगर जीरो बन गया तो आइगन वैल्यूज क्या क्या आएंगी, आइगन वैल्यू क्या क्या आएगा, यहां से क्या आइगन वैल्यू था 100 रूट 2, ये पार्ट जीरो बन गया तो इस पार्ट से दो आइगन वैल्यूज आएंगे क्या क्या 50 रूट 2 इस पार्ट से। तो x वाला पार्ट अगर जीरो बन गया तो आइगन वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी लैम्डा इक्वल टू 100 रूट 2 50 रूट 2। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था दो आइगन वैल्यूज इक्वल हैं, तो आ रहा है दो आइगन वैल्यू इक्वल 50 रूट 2। इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए प्लस और माइनस 50, क्वेश्चन में पॉजिटिव बोला गया है तो प्लस 50 लेंगे, टू इक्वल आइगन वैल्यूज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और एक तरीका है, जब अभी किसी ने बताया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के
दो रूट्स इक्वल कब होंगे, दो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल कब होंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो इस इक्वेशन के दो रूट्स इक्वल आएंगे। अब आपको लगेगा यहाँ पे हम रूट्स इक्वल की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो रूट्स हैं वही आइगेन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, और क्वेश्चन में दो आइगेन वैल्यू इक्वल बोला गया है तो ऑब्वियसली दो रूट्स इक्वल आएंगे, बिकॉज रूट से आइगेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अभी कुछ देर पहले जो हमने कैलकुलेट किया जिसमें बोला परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, वो क्या था, लैम्डा स्क्वायर माइनस हंड्रेड रूट टू लैम्डा प्लस टू एक्स स्क्वायर था। इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया था और देखा एक्स के किस वैल्यू के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये तो देखा था ना। तो दो आइगेन वैल्यू इक्वल आएंगे मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स इक्वल आने चाहिए, इस इक्वेशन के दो रूट्स इक्वल आने चाहिए। तो बताइए इसमें ए का वैल्यू कितना है, कंपेयर कीजिए फॉर्मेट, ए इज वन, बी इज माइनस हंड्रेड रूट टू एंड सी इज टू एक्स स्क्वायर। यहां पे लैम्डा आइगेन वैल्यू है, ध्यान रखिएगा लैम्डा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के दो रूट्स इक्वल होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो होता है, और दो रूट्स इक्वल होने का मतलब दो आइगेन वैल्यूज इक्वल होंगे। जस्ट ये कंडीशन अप्लाई करो, यहां से भी एक्स का सेम वैल्यू आएगा 50, ना प्लस माइनस 50, चेक कीजिए क्या आ रहा है, बी है माइनस हंड्रेड रूट टू, तो माइनस हंड्रेड रूट टू होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो ए इज वन सी इज टू एक्स स्क्वायर। यहां से भी x का वैल्यू पता चलेगा प्लस माइनस 50, पॉजिटिव क्वेश्चन में बोला गया है तो प्लस 50। तो x का वैल्यू कैलकुलेट करने का ये भी एक तरीका है, आइदर आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट इक्वल आने का जो कंडीशन है वो कंडीशन अप्लाई करो। दो इक्वल रूट्स आएंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और दो रूट्स इक्वल आने का मतलब दो आइगन वैल्यूज इक्वल होंगे। क्लियर है एवरीवन, दोनों टेक्निक ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ये जो कंडीशन है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, ये जो कंडीशन है यही कंडीशन ये था, अल्टीमेटली सेम ही था, ये अल्टीमेटली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से रिलेटेड है, जिसको हमने जीरो किया था ना, जो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जीरो बनना चाहिए, ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से रिलेटेड है, दिस क्वांटिटी एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, एनी क्वेश्चन इन दिस, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू। किसी भी आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग हम एल्जेब्रिक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी डिफाइन करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसकी पहली स्लाइड बताना, इससे पहली थैंक यू। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज इसका मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑकरेंसेस कोरिस्पोंडिंग टू ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो आइगन वैल्यू का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस कोरिस्पोंडिंग टू ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, मतलब किसी मैट्रिक्स का कोरिस्पोंडिंग आइगन वैल्यू रिपीट भी तो हो सकता है, आइगन वैल्यूज रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो आइगन वैल्यू इक्वल थे। तो आइगन वैल्यू कितनी बार आ रहा है, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, उसी को हम बोलते हैं क्या, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द आइगन वैल्यू, सॉरी।
अलग अलग आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग अलग अलग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होता है। ऐसा नहीं है जो एक मैट्रिक्स का एक ही एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अलग अलग आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग होता है। सपोज किसी मैट्रिक्स का आपने आइगन वैल्यू कैलकुलेट किया, एक 3x3 मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू आया 1 -2 -2। 3x3 मैट्रिक्स है, ये आइगन वैल्यू आ गई 1 -2 -2। अब देखिए जो 1 आइगन वैल्यू है ये एक ही बार आया है, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस 1, तो इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है 1। तो लैम्डा इक्वल टू 1 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। वेयर एज अगर हम 2 की बात -2 की बात करें, ये दो बार आया है, रिपीट हुआ है, तो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस 2, तो -2 का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है 2। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कोई भी आइगन वैल्यू कितनी बार आ रहा है, कितनी बार उस मैट्रिक्स के लिए आएगा। अगर एक बार आया तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, एक से ज्यादा बार आएगा जो भी दो बार आया तो 2, जितनी बार नंबर ऑफ ऑकरेंसेस विल बी इक्वल टू एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। नाउ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और इसको क्वांटम में आप लोग पढ़ते हैं डीजेनरेसी ऑफ द आइगन वैल्यू। डीजेनरेसी क्या है? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, देखिए द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरिस्पोंडिंग टू ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरिस्पोंडिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं? तो किसी पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कॉरिस्पोंडिंग जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे उसी नंबर को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और डीजेनरेसी ऑफ द आइगन वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग डीजेनरेसी वर्ड जो है ये पढ़ते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्लास में एक पॉइंट मेंशन किया गया था, जो आइगन वैल्यू है वो डीजेनरेट भी हो सकता है, नॉन डीजेनरेट भी हो सकता है। डीजेनरेट का मतलब जो आइगन वैल्यू रिपीट करता है, नॉन डीजेनरेट का मतलब जो आइगन वैल्यू रिपीट नहीं करता। तो बताइए जो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, जो रिपीट नहीं करता, नॉन डिजेनरेट, उसके कॉरिस्पोंडिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है? ओनली वन। कल हमने कुछ एग्जांपल भी देखे थे। जो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है, जो रिपीट नहीं करता, उस आइगन वैल्यू के कॉरिस्पोंडिंग एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है। मतलब जो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है उसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पोंडिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज 1 होगा, बिकॉज इसके कॉरिस्पोंडिंग एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पॉसिबल होता है। ये हमने कल एग्जांपल में भी देखा, ये ऑलवेज 1 होगा, नॉन डिजेनरेट है, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, डीजेनरेट मतलब जो रिपीट कर रहा है, क्या बताया गया था, डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पोंडिंग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, वो मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है। तो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू का कॉरिस्पोंडिंग ओनली 1 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और डिजेनरेसी इज 1। डिजेनरेट आइगन वैल्यू का कॉरिस्पोंडिंग एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पॉसिबल है, सो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, और यही चीज अगर मैं ऊपर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए पूछा जाए, जो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू है उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा? 1। तो नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1, ये एक ही बार आता है, रिपीट तो करता नहीं। और जो डिजेनरेट आइगन वैल्यू है
उसके लिए क्या होगा एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बस डीजेनरेट का मतलब रिपीट कर रहा है रिपीट करने का मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही होगा अगर 1 होता तो उसको नॉन डीजेनरेट बोलते ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से ज्यादा बार आएगा तभी हम बोल रहे हैं डीजेनरेट क्लियर पॉइंट एवरीवन यस सर तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो ऑलवेज 1 होता है ये डायरेक्ट बता सकते हैं बट डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए 1 भी हो सकता है 1 से ज्यादा भी हो सकता है तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा मतलब डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने होंगे ये हम मैट्रिक्स से कैसे पता लगा सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तो इस स्लाइड में जो बोला गया है इनमें से कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं तो आइगन वैल्यू 2 टाइप के हैं नॉन डीजेनरेट जो रिपीट नहीं करता डीजेनरेट जो रिपीट करता है ठीक है जो नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू है उसके कोरिस्पोंडिंग एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है देखिए 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू 1 नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू एक नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होता है और नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू एक ही बार आएगा रिपीट नहीं करता तो नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू का एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होता है एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है इसलिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 लेकिन मैं अगर डीजेनरेट आइगन वैल्यूज की बात करें हम तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू एक से ज्यादा बार आता है रिपीट करता है सो एलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ग्रेटर देन 1 एंड फॉर डीजेनरेट आइगन वैल्यू एक से एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पॉसिबल है तो 1 और मोर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू 1 डीजेनरेट आइगन वैल्यू एक डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग एक या एक से ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पॉसिबल है इसलिए डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए वॉइस आ रहा है क्या हाँ सर बस 1 मिनट वेट कीजिए पीपीटी जो है ना ये थोड़ा सा कुछ ऊपर गया लगता है
स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। सो यहाँ पे जो बोला गया था, जो डीजेनरेट आइगन वैल्यू है, तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हो सकता है, तो उसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होता है। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला यह है, एन माइनस आर। और ये एन माइनस आर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए डीजेनरेट आइगन वैल्यू। ये डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये वन भी हो सकता है, वन से ज्यादा भी हो सकता है। तो डीजेनरेट आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर आपको इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का नंबर पूछा गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन माइनस आर। अब ये एन और आर क्या है, नीचे लिखा गया देखिए, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड आर इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। एन जो है वो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, आर क्या है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। तो यहां से आप एन और आर कैलकुलेट करके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए डीजेनरेट आइगन वैल्यू। नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए अगर आप ये फॉर्मूला यूज भी कर देते हैं ना, आंसर ऑलवेज वन ही आएगा। नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए अगर आप एन माइनस आर कैलकुलेट भी करते हैं, ये ऑलवेज वन आएगा। तो नॉन डीजेनरेट के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फिक्स्ड है, वन ही होगा, ये कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। डीजेनरेट आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एन माइनस आर होगा। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, जिसमें डीजेनरेट आइगन वैल्यू आएगा एंड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। So please try this question. ये DPP sheet का ही question है, I think. यहाँ पे तीन matrices हैं, A, B, C. Question है, पूछा गया है, the number of linearly independent eigen vectors corresponding to lambda equal to one. तो lambda equal to one इन matrices का eigen value होगा, उनके लैम्डा इक्वल टू वन के कॉरिस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कितने हैं। मतलब बेसिकली आपको जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना है, डीजेनरेसी, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना है तीनों मैट्रिक्स का कॉरिस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये तीनों मैट्रिसेस गिवन है, इन तीनों का आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना, तीनों के लिए आइगन वैल्यू वन 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 आएगा। अब बताइए, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, वो क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है? फर्स्ट एंड सेकंड, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यस सर, एंड जो थर्ड वन है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, थर्ड जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो ये इनका प्रॉपर्टी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, इन तीनों के लिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है वही उसका आइगन वैल्यू होगा। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वही उसके आइगन वैल्यूज हैं। ये आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके पता कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल होंगे वही मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हैं, वन वन वन।
तो बताइए तीनों के लिए डीजेनरेट आइगन वैल्यू आ रहा है या नॉन डीजेनरेट? डीजेनरेट। डीजेनरेट। और एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना है? थ्री। थ्री। तीनों मैट्रिसेस के लिए लैम्डा इक्वल टू वन का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थ्री है, तीन बार आ रहा है, ठीक है। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? डीजेनरेट आइगन वैल्यू। एन माइनस आर, अभी फॉर्मूला बताया गया एन माइनस आर। तो मैं किसी एक के लिए कैलकुलेट करके बताता हूं। सपोज जो बी मैट्रिक्स है उसके लिए चेक करते हैं। जैसे बी मैट्रिक्स के लिए बता रहे हैं वैसे आप ए और सी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर बी मैट्रिक्स एन कितना है? एन तो पता ही है कितना है, थ्री। एन तो थ्री है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आर क्या है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बी माइनस लैम्डा आई। और यहाँ पे लैम्डा के बदले क्या रिप्लेस करेंगे? वन। जिस आइगन वैल्यू का कोरिस्पोंडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं वो आइगन वैल्यू, तो बेसिकली आएगा बी माइनस आई। बी माइनस आई क्या मैट्रिक्स है? बी तो क्वेश्चन में गिवन है, ये होगा जीरो वन जीरो, जीरो वन सॉरी जीरो 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 जीरो। तो बी माइनस लैम्डा आई फॉर लैम्डा इक्वल टू वन विल बी दिस मैट्रिक्स। और आर क्या है? आर इस मैट्रिक्स का रैंक है। रैंक कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो प्लीज जो मेथड बताएगा तो वो यूज कीजिए। रैंक ऑफ बी माइनस लैम्डा आई वन। जो बी माइनस लैम्डा आई है उसका रैंक वन है, ओके। और बी का जो ऑर्डर है वो है थ्री, तो एन इज थ्री हियर। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे? टू। तो लैम्डा इक्वल टू वन के कोरिस्पोंडिंग बी मैट्रिक्स के दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। इसी तरीके से आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने बी के लिए कैलकुलेट किया वैसे ही आप ए और सी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जिसको हम जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं वो आया टू। सेम कैलकुलेशन अगर आप सी के लिए रिपीट करते हैं तो इसके लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी थ्री आएगा। और ए के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन आएगा। जैसे बी के लिए कैलकुलेट किया वैसे ही ए और सी के लिए कैलकुलेट कीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, वन टू थ्री। ए मैट्रिक्स के लिए वन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, बी मैट्रिक्स के लिए टू इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, और सी मैट्रिक्स के लिए थ्री इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है? सर रैंक समझ नहीं आया। रैंक कैलकुलेट कैसे करते हैं थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का? सर डिटरमिनेंट से, और अगर वो जीरो आ जाता है फिर मतलब तो थ्री बाई थ्री के लिए हम स्टार्ट किससे करेंगे, कौन से ऑर्डर से? थ्री क्रॉस थ्री से। तो थ्री क्रॉस थ्री का डिटरमिनेंट कितना है? जीरो। तो थ्री क्रॉस थ्री के बाद क्या चेक करेंगे? सर टू क्रॉस टू। टू क्रॉस टू में सारे जीरो आ रहे हैं, चेक कीजिए। टू क्रॉस टू में कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, देखिए कोई भी टू क्रॉस टू लीजिए, डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। तो टू क्रॉस टू में भी जीरो आएगा, तो टू क्रॉस टू के बाद क्या जाएंगे? वन क्रॉस वन, और वन क्रॉस वन में एक तो नॉन जीरो आएगा ना,
for rank one. ठीक है सर. हाँ बताइए सर. इसमें जैसे आपने सर रैंक बताया सर, इसमें ऐसे भी तो देख सकते हैं, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट रो है, मतलब जो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मतलब सर जैसे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक्स में जीरो वाली रो बना देंगे तो जो बचेगी वही रैंक होगी ना. जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होता है वही मैट्रिक का रो होता है. जो 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 नॉन जीरो रोज बचेंगी. बिल्कुल 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 सर. सी वाला सर कैसे करेंगे, क्योंकि इसका तो रैंक जीरो हो जा रहा है. हाँ सर, तब सब थ्री हो रहा है. तो रैंक जी आर जीरो है ना, तो थ्री आ जाएगा एन माइनस आर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. क्वेश्चन ऐसा सॉल्व हो गया, ऑप्शन फोर आ जाएगा. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये आइगन वेक्टर जो बोला गया, दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, ये दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैलकुलेट कैसे करें. कल हमने क्लास में जो एग्जांपल डिस्कस किए थे उसमें आइगन वैल्यू नॉन डिजेनरेट था, रिपीट नहीं कर रहा था. तो नॉन डिजेनरेट के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं होता, आसान है. बस एक ही आएगा इंडिपेंडेंट. दिक्कत होता है डिजेनरेट के कॉरिस्पॉन्डिंग, बिकॉज डिजेनरेट में इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है. तो इसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये जो दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे बी के, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है. ये दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर क्या हो, तो वो कैलकुलेट करते हैं. तो जैसे आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है वो सेम टेक्निक, बी मैट्रिक्स. तो बी मैट्रिक्स है 1 1 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है, इसका आइगन वैल्यू क्या आया था 1 1 1. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वही आइगन वैल्यू होगा 1 1 1. नाउ आइगन वेक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं. आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका है बी माइनस लैम्डा आई एक्टिंग ऑन एक्स इक्वल टू जीरो. तो बी माइनस लैम्डा आई एक्टिंग ऑन एक्स इक्वल टू जीरो. बी माइनस लैम्डा आई अभी हमने कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले, जिसका रैंक कैलकुलेट किया हमने. तो बी माइनस लैम्डा आई क्या आया था 0 1 0 0 0 0 0 0. इसी का रैंक कैलकुलेट किया था, 1 आया था. और x इसके तीन कॉम्पोनेंट होंगे x1 x2 x3. इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में नल मैट्रिक्स आ जाएगा. नाउ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके राइट हैंड साइड में जीरो के साथ कंपेयर करो, इसमें क्या रिलेशन आ रहा है. x2 0 x2 0. x1 और x3 के रिलेटेड कोई रिलेशन आ रहा है. No. नहीं आ रहा है. जब किसी एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग कोई रिलेशन नहीं आएगा उसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग. बिकॉज ये रिलेशन आते हैं ये बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस है. जैसे x2 इक्वल टू जीरो आ गया, x2 इक्वल टू जीरो का मतलब वो x2 जीरो के अलावा आप कुछ नहीं चूज कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन है. तो किसी भी इक्वेशन का मतलब होता है एक रिस्ट्रिक्शन. तो x1 और x3 में कोई रिलेशन नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं आया, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी चूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ईच अदर. ठीक है, तो अब बताइए x2 जीरो है, x1 x3 के ऊपर कोई इक्वेशन नहीं बना तो कुछ भी हो सकता है. तो कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं. टू. x2 तो जीरो के अलावा कुछ नहीं हो सकता, x2 को जीरो बोल दिया गया वो तो डिपेंडेंट नहीं होगा. तो दो ही इंडिपेंडेंट एलिमेंट है x1 एंड x3. सो देयर आर टू इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स. और कल क्लास में बताया गया था आइगन वेक्टर में जितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होंगे आप उतने ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिख सकते हैं. इसमें दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग आप दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिख सकते हैं, जो हमने
पिछले स्लाइड में एक डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया था, ये दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जो ये था एन माइनस आर वाले फॉर्मूले से। यहां से भी आप बोल सकते हैं इस आइगन वेक्टर के तीन एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3, उनमें से दो एलिमेंट इंडिपेंडेंट है x1 x3, कुछ भी हो सकता है। तो टू इंडिपेंडेंट एलिमेंट तो लैम्डा इक्वल टू वन के कोरिस्पोंडिंग आप दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। ना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर लिखा कैसे जाता है, बस ऑप्शन में तो वही दिया होगा आइगन वेक्टर क्या होगा। तो देखिए x2 क्या होगा जीरो, x2 तो जीरो के अलावा कुछ नहीं हो सकता, x1 और x3 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब यहां पे दोनों इक्वल होंगे कुछ बोला गया है जी, इक्वल होना चाहिए नहीं, नहीं बोला गया है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं जो दोनों को के अज्यूम कर लेते हैं। अगर आपने x1 x3 दोनों को के अज्यूम कर लिया मतलब हम दोनों को इक्वल मान के चल रहे हैं, यहां पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया जो x1 x3 इक्वल आना चाहिए। तो दोनों को अगर आप के अज्यूम कर लेते हैं वो गलत है, बस दोनों इक्वल होने चाहिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो x1 को हमने मान लिया k1 और x2 को मान लिया k2 k3, x3 को k3, x2 तो जीरो ही है। k1 k3 इक्वल होना जरूरी नहीं है। देन आइगन वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू वन क्या आएगा, देखिए x1 इज k1, x2 जीरो, x3 k3। तो लैम्डा इक्वल टू वन के कोरिस्पोंडिंग जो आइगन वेक्टर है वो इस फॉर्मेट का होगा k1 जीरो k3, ये तीन एलिमेंट है। ऐसे कितने आइगन वेक्टर्स आप लिख सकते हो? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट k1 k3 तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आप लिख सकते हैं। पॉसिबल भी है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है आइगन वेक्टर, तो इनफाइनाइट मेनी आइगन वेक्टर्स। लेकिन इनमें से कितने आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे? टू, ओनली टू, और वही दो हमें पता करना है यहां पर। देखिए अब वो दो आइगन वेक्टर पता कैसे करें, यहां पर जो ये के वन जीरो के थ्री लिखा गया आइगन वेक्टर कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू वन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं k1 into 1 0 0 plus k3 into 0 0 1। जब डीजेनरेट आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू आएगा ना तो ऐसे देखना, आप ऑलवेज लिखना कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा k1 into this plus k3 into this। अब मुझे बताइए ये जो 1 0 0 एंड जीरो वन जीरो है ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट है। वन जीरो जीरो और जीरो जीरो वन, इसको आप एक दूसरे के मल्टीपल में तो नहीं लिख सकते, ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये दोनों क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ ये वन जीरो जीरो क्या आइगन वेक्टर होगा? वन सिर्फ वन जीरो जीरो की अगर हम बात करें, सिर्फ वन जीरो जीरो, ये क्या लैम्डा इक्वल टू वन के कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर होगा? वन जीरो जीरो, यस सर। चेक कीजिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या था? एक्स टू जीरो होना चाहिए, एक्स टू जीरो है, एक्स वन एक्स थ्री कुछ भी हो सकता है, एक्स वन वन है, एक्स थ्री जीरो है, कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा जीरो जीरो वन, ये जो जीरो जीरो वन है ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स टू जीरो x1 x3 कुछ भी हो सकता है। देखिए x2 0 है, x1 0, x3 1, तो 1 0 0 एंड 0 0 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और दोनों ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब 1 0 0 0 0 1 इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर हो सकता है। तो दिस आर द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स B। बाकी जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे उनको आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। ठीक है,
what is of B. बाकी जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे, जो बोला गया था इनफाइनाइट मेनी आइगन वेक्टर्स, इसको देखिए आप लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये जो लिखा गया k1 into this, k2 into this, ये लिनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। तो इनफाइनाइट मेनी आइगन वेक्टर्स पॉसिबल है, उनको आप 100 और 001 के लिनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दीज आर टू लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कॉरिस्पॉन्डिंग टू बी। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है एक्स वन एक्स टू क्या इक्वल हो सकता है, वो स्पेशल केस है। एक्स वन एक्स टू इक्वल होना स्पेशल केस है, इक्वल होना जरूरी नहीं है, स्पेशल केस है। सपोज आपने एक्स वन एक्स टू दोनों को ही मान लिया, एक्स वन एक्स थ्री को वन 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 मान लिया, उनको भी आप इनके लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, वो स्पेशल केस है। एक्स वन एक्स टू सेम हो भी सकता है, बट उसको हम जनरल केस नहीं मान सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे के वन के थ्री लिया है। अगर आपने यहाँ पे के के ले लिया होता, मतलब हम मान के चल रहे हैं इक्वल है, यहाँ पे इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप k1 k3 का कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, k1 k3 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, k1 k3 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो k1 k3 के अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, तो ऐसे आप इनफाइनाइट मेनी आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। किसी ने k1 लिया 1, k2 लिया माइनस, सॉरी k3 लिया माइनस 2, k1 को 1 लिया, k3 को माइनस 2 लिया, किसी ने k1 को 3 लिया, k3 को 5 लिया, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर लिख सकते हैं। k1 k3 कुछ भी हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा k1 और k3 दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। k1 k3 कैन बी एनीथिंग, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट k1 k3 में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। तो एटलीस्ट वन ऑफ k1 k3 शुड बी नॉन जीरो। तो आपको लगेगा, आपने तो बोला कुछ भी हो सकता है, दोनों को जीरो ले लेते हैं, दोनों जीरो होगा तो दिक्कत हो जाएगा, दोनों जीरो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, पूरा ही जीरो हो जाएगा, सर x2 भी जीरो है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन। k1 k3 दोनों अगर जीरो हो गया तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम आइगन वेक्टर नहीं बोलते। तो एक तो मिनिमम नॉन जीरो होना चाहिए, तभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो समझ में आया ये दो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है ना। जैसे यही कैलकुलेशन अगर आप सी के लिए डिप्लेस रिपीट करो ना, सी मैट्रिक्स जो है, जो सी मैट्रिक्स है, कोई बता सकता है सी मैट्रिक्स के लिए क्या रिलेशन आएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के बीच में, एक बार कैलकुलेट कर कीजिए। जैसे बी के लिए कैलकुलेट किया, वैसे सी के लिए कैलकुलेट कीजिए। 100001 नहीं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये रिलेशन क्या आएगा सी मैट्रिक्स के लिए। बिल्कुल, कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जो सी मैट्रिक्स है बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो 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 वन। इस मैट्रिक्स के लिए जब आप रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, जो आइगन वेक्टर के एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, उसमें देखिए आएगा x1 x2 x3 कैन बी एनीथिंग, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इक्वल अनइक्वल कुछ भी हो सकता है, बट इन जनरल हम क्या लेंगे, अनइक्वल, बिकॉज इक्वल होना तो स्पेशल केस है। ठीक है, तो इसमें अगर आप x1 x2 x3 को k1 k2 k3 अज्यूम कर लें, तो लैम्डा इक्वल टू 1 के कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर k1 k2 k3, ऐसे आप कितने आइगन वेक्टर लिख सकते हो, इनफाइनाइट, लेकिन इंडिपेंडेंट कितने होंगे, तीन ही होंगे, बिकॉज इसमें इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने हैं, थ्री, तो तीन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। और हमने कुछ देर पहले देखा भी सी मैट्रिक्स के कोरिस्पोंडिंग जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो थ्री आया था,
तो तीन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो आना चाहिए। यहाँ पे देखिए तीन इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, तो इसको तीन इंडिपेंडेंट कैसे पता करेंगे? K1 into 100 plus K2 into 001 sorry 010 plus K3 into 001। ये जो तीन आए हैं 100 010 एंड 001, ये तीन जो है ये तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं ऑफ मैट्रिक्स सी। तीन ही आने चाहिए थे, ये तीन आ गए। बाकी जितने भी आइगन वेक्टर्स हैं वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। और ये चीज देखिए, आप लोगों ने क्वांटम में भी कुछ जगह पे यूज किया होगा, क्वांटम में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उनका मैथमेटिकल फॉर्म मैट्रिसेस में भी होता है। जो ऑपरेटर्स होता है उनको आप मैट्रिसेस में भी पढ़ते हैं, ठीक, मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जब कोई ऑपरेटर डायगोनल मैट्रिक्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर तो आप ऐसे लिखते हो 100 010 001। जैसे आप लोग एलएक्स एलवाई एलजेड पढ़ते हो, एलएक्स ऑपरेटर एलवाई ऑपरेटर एलजेड ऑपरेटर, जो एलजेड ऑपरेटर होता है वो क्या डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता एलजेड? यस सर। हाँ सर। और एलजेड और एलजेड ऑपरेटर के जो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स हैं वो तो यही लिए जाते हैं 100 010 001। तो दिस इज ट्रू फॉर एनी डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर्स यही लिए जाते हैं जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना भी जरूरी नहीं है फॉर ऑल डायगोनल मैट्रिसेस, और क्वांटम में तो बहुत जगह पर डायगोनल मैट्रिक्स आता भी है। फॉर ऑल डायगोनल मैट्रिसेस जो आइगन वेक्टर्स हैं वो यही तीन चूज की जाते हैं। 3x3 के लिए 2x2 होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर 2x2 है तो क्या क्या आएगा आइगन वेक्टर 2x2 डायगोनल? 1001 1001। तो ये 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, ऐसे आप n क्रॉस n डायगोनल के लिए भी लिख सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एलजेड के जो आइगन वेक्टर्स है वो ऐसे होते हैं, एसजेड के जो आइगन वेक्टर्स है वो ऐसे होते हैं, एल स्क्वायर एस स्क्वायर इन सब के आइगन वेक्टर्स इसी टाइप के होते हैं, बिकॉज एल स्क्वायर एलजेड एस स्क्वायर एसजेड सारे डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, तो आइगन वेक्टर भी इसी फॉर्मेट का लिखा जाता है। Clear everyone? तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज से एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो काफी कॉमन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज के मैट्रिक्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, एंड इट इज ट्रू फॉर All matrices, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके लिए ट्रू है, कोई भी मैट्रिक्स हो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज का सम इक्वल टू क्या होगा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे n बाई n मैट्रिक्स के लिए लिखा गया है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n इक्वल टू ट्रेस ऑफ a, और ट्रेस क्या है सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 एंड सो ऑन,
ये प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, किसी भी ऑर्डर का हो, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। और ये चीज जो है ये मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद जब हम केले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे वहां पर भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि ये जो आइगन वैल्यूज हैं ये ट्रेस से रिलेटेड कैसे है, बिकॉज जो मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना उसके जो कोएफिशिएंट है वो ट्रेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड होता है। मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो ट्रेस और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं, जब हम केले हैमिल्टन थ्योरम डिस्कस करेंगे तब ये बताएंगे, ओके। तो ये दो प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, सम ऑफ द आइगन वैल्यू ट्रेस, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट। एंड थर्ड पॉइंट, एनी मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज विल हैव सेम आइगन वैल्यूज। ए मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं ए ट्रांसपोज उसके आइगन वैल्यूज भी सेम होते हैं। आइगन वेक्टर सेम नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए आइगन वैल्यू सेम है तो आइगन वेक्टर भी सेम है। आइगन वेक्टर में ऐसा कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता, जस्ट आइगन वैल्यू सेम होता है। आइगन वेक्टर सेम नहीं होता, तो ए और ए ट्रांसपोज के आइगन वैल्यूज सेम आएंगे ऑलवेज। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, इफ ए इज ए रियल मैट्रिक्स। ए क्या है, रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स का मतलब है इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रियल क्वांटिटीज हैं। तो मैट्रिक्स एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ए आई जे, ऑल दीज आर रियल क्वांटिटी, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, सारे रियल एलिमेंट्स। तो ए एक रियल मैट्रिक्स है, इन दैट केस ए ट्रांसपोज ए, ये जो मैट्रिक्स है विल हैव रियल एंड पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। जो ए ट्रांसपोज ए है, ये जो प्रोडक्ट है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। रियल मैट्रिक्स के लिए और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो नीचे फिफ्थ पॉइंट लिखा गया है, क्या बोला गया, फॉर ए रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स का मतलब सेम है, ऑल एलिमेंट्स आर रियल, द आइगन वैल्यूज मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ध्यान रखिए, ठीक है। आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल मैट्रिक्स मे बी रियल मे बी कॉम्प्लेक्स, ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता जब मैट्रिक्स रियल है तो आइगन वैल्यू भी रियल होगा, बिल्कुल नहीं होता। मैट्रिक्स रियल है, आइगन वैल्यू रियल, कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, If alpha plus iota beta is an eigenvalue, then its complex conjugate alpha minus iota beta will also be an eigenvalue. Alpha plus iota beta, ये अगर एक eigenvalue है तो उसका complex conjugate भी एक eigenvalue होगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं, तो अगर आपके पास एक real matrix है और बोल दिया गया lambda is a complex eigenvalue of the matrix, ए एक रियल मैट्रिक्स है और लैम्डा उसका एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू, तो आप बोल सकते हैं इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है लैम्डा स्टार वो भी इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा। रियल के लिए किसी ने बोला रियल के लिए क्या होगा, रियल के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, रियल आइगन वैल्यू का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो सेम ही होता है। रियल आइगन वैल्यू का अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें तो कोई अलग आइगन वैल्यू थोड़ी ना निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू के लिए। लैम्डा अगर एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्टार भी कॉम्प्लेक्स उस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू
होगा ही, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स रियल होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल अगर यहां पे लिखे, देखिए सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स दिस 1 1 -1 1, ये एक मैट्रिक्स है, ये रियल मैट्रिक्स है, ऑल एलिमेंट्स आर रियल। अब देखिए इस मैट्रिक्स का अगर आप आइगेन वैल्यू कैलकुलेट करो ना, ये आएगा जस्ट सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + i 1 - i, जस्ट सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैं वो कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूं, 1 + i 1 - i। तो यहां पे जो मैट्रिक्स था वो रियल मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इस केस में कॉम्प्लेक्स आया है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसा भी हो सकता है कुछ रियल आए कुछ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट, 1 + i एक कॉम्प्लेक्स आइगेन वैल्यू है, तो ये अगर लैम्डा इसको बोलते हैं, सपोज ये लैम्डा 1 है, तो 1 - i जो दूसरा आइगेन वैल्यू है वो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो ये प्रॉपर्टी ऊपर लिखा गया, अगर लैम्डा एक कॉम्प्लेक्स आइगेन वैल्यू है तो लैम्डा स्टार भी उसका आइगेन वैल्यू होगा अगर मैट्रिक्स रियल है। कैलकुलेट करके देखा वो भी आ रहा है, देखिए एक लैम्डा 1, दूसरा उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये ऐसा क्यों है, ये काफी आसान है समझना, मतलब स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट है, क्यों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आना चाहिए, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्टार भी क्यों आइगन वैल्यू होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो सपोज हमने 2 by 2 मैट्रिक्स लिया, तो आइगन वैल्यूज का जो सम है वो होना चाहिए ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स के लिए ट्रेस रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, रियल, रियल, बिकॉज रियल मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल डायगोनल भी रियल होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल का सम भी रियल ही होगा, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स रियल है तो डिटर्मिनेंट भी रियल ही होगा, तो रियल मैट्रिक्स का ट्रेस और डिटर्मिनेंट दोनों ही रियल क्वांटिटीज ही होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए λ1 + λ2 रियल होना चाहिए, दो आइगन वैल्यूज का सम रियल होना चाहिए, तो दो नंबर्स हैं जिनका सम रियल होना चाहिए और दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट भी रियल होना चाहिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और प्रोडक्ट रियल नंबर कब होता है, तो वो एक दूसरे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एंड प्रोडक्ट रियल होता है जब ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, तो लैम्डा 2 इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ लैम्डा 1, तभी पॉसिबल है, ये सम भी रियल है प्रोडक्ट भी रियल है। तो देखिए जो आइगन वैल्यूज है वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, बिकॉज सम ऑफ द आइगन वैल्यू रियल, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू रियल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम रियल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट रियल है, ये तभी पॉसिबल होता है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे का कॉन्जुगेट हो। और यहां से भी क्लियरली दिख रहा है, देखिए 1 + i 1 - i, इन दोनों का सम कितना है 2 रियल, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 2 रियल क्वांटिटी, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो सम भी रियल होगा प्रोडक्ट भी रियल होगा। क्लियर पॉइंट एवरीवन, तो ये जो हमने अभी 5 प्रॉपर्टी डिस्कस किए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
डीपीपी शीट का ये जो कल सेंड किया था, डीपीपी शीट 14 है। तो कंसीडर ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक अननोन क्वांटिटी है x। बोला गया इस मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा माइनस जे ओमेगा। जे मतलब आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स में होता है ना आयोटा, वो है। तो इस मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है और इसके आइगेन वैल्यूज गिवन है सिग्मा प्लस आयोटा ओमेगा, जो आयोटा उसको हम जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा माइनस आयोटा ओमेगा, ये दो आइगेन वैल्यूज है। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन मैट्रिक्स मैट्रिक्स में जो अननोन क्वांटिटी एक्स है उसका वैल्यू कितना है। आसान क्वेश्चन है, जस्ट प्रॉपर्टी यूज कीजिए ट्रेस और डिटरमिनेंट का। मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो कितना है, क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है 2 ओमेगा, ट्रेस है 2 सिग्मा, और वो मैच भी कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मैच तो कर रहा है। एंड अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कितना है, सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा। और डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। तो यहां पे अगर आप सॉल्व करें तो सिग्मा स्क्वायर माइनस एक्स ओमेगा और दोनों आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना है, सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से आप काफी आसानी से एक्स का वैल्यू बता सकते हैं, क्या होगा एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसमें ट्रेस वाला प्रॉपर्टी भी यूज करने का जरूरत नहीं है, जस्ट डिटर्मिनेंट वाला प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, डी ऑप्शन। ये बेसिकली कैंसिल कर गया, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Let's try this question. Question है पूछा गया है, for which of the following matrices both eigenvalues are negative? चार options में चार matrices हैं, इनमें से किस eigenvalue के लिए दोनों eigenvalues से negative आएंगे? Both are negative. B. बी या डी, कौन सा बोला, बी सर, बी वाला, बी 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 सेकंड सेकंड क्वेश्चन सही से बोली सर, डी होना चाहिए। क्वेश्चन सही से बोली, दोनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव नहीं। किसी मैट्रिक्स के दोनों आइगन वैल्यूज अगर नेगेटिव होते हैं तो उनका सम क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, दोनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव है तो सम भी तो नेगेटिव ही होगा, और सम इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो दोनों नेगेटिव है तो सम भी नेगेटिव होगा, तो जो भी करेक्ट आंसर है उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो बताइए क्या करेक्ट ऑप्शन इज, ए ऑप्शन आया सर। ट्रेस जो ट्रेस नेगेटिव है ये सिर्फ कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, नेगेटिव ट्रेस ए एंड डी, एंड डी आंसर। नेगेटिव ट्रेस दो ऑप्शन में आ रहा है ए एंड डी, तो बी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
नाउ ए और डी में करेक्ट क्या है देखिए, अगर हम डिटर्मिनेंट चेक करें, डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, दोनों आइगन वैल्यूज अगर नेगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव. तो डिटर्मिनेंट होना चाहिए पॉजिटिव. तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, इनमें किसमें डिटर्मिनेंट पॉजिटिव आ रहा है? ए का पॉजिटिव आ रहा है, डी में डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो डी नहीं हो सकता. डी भी दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए ना, ट्रेस नेगेटिव डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, तो ऑप्शन ए करेक्ट. तो दोनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव है तो सम नेगेटिव होगा, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा. कोई डाउट है किस स्टेप में? इसमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट कुछ नहीं करना, जस्ट ट्रेस डिटर्मिनेंट से आंसर बताना है. सबका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करते रहेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. ये डीपीपी शीट का है. क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, 4x4 मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा गया है. इस आइगन वैल्यूज, इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस, ठीक है? मतलब प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ जाता है बाई चांस तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस पूछा गया है. मतलब बेसिकली आपको प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो क्या हम इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? नहीं सर. 4x4 मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा. अगर 3x3 के ऊपर मैट्रिक्स होता है ना, 4x4, 5x5, उस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, ध्यान रखिएगा. मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब लेस प्रोबेबल है जब आपको 4x4 मैट्रिक्स है और पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करना है. एटलीस्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता, इसमें ऑप्शंस होते हैं. सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है तब पूछा जा सकता है कि 4x4 है, आइगन वैल्यू कैलकुलेट करो और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करना है. बट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 4x4, 5x5 मैट्रिक्स गिवन है और पूरा इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन लेस प्रोबेबल है, ठीक है? अभी तक तो नहीं पूछा गया. डी प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट 6000 आ रहा है. हाँ मैंने इसीलिए ऑप्शन दिया है. ये स्टूडेंट सोचेंगे ही सोचेंगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट कर देते हैं, एक ऑप्शन मैच कर गया, चलो वही सही है. डी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन करें. 12 जो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू जो भी कुछ भी आए, जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डिटरमिनेंट. ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसके ऊपर कोई कंडीशन तो होता नहीं है. तो बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है? डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है. अगर आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया तो पता चल जाएगा आंसर. अब देखिए डिटरमिनेंट क्या पूरा कैलकुलेशन करेंगे जैसे 4x4 में कैलकुलेट करते हैं तो काफी लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन. एनीवन कोई बता सकता है? सर बी एक C3 रो तो एलिमिनेट हो जाएगी ना सर, C3 टेंड्स टू C3 माइनस 2 C2 से क्या जाएगा? रिपीट कीजिए क्या बोला आपने? C3 टेंड्स टू C3 माइनस 2 C. नहीं सर नहीं होगी, सॉरी नहीं होगा. सर कॉलम्स के बीच में रिलेशन भी बन रहा है, उसको यूज करके कर सकते हैं, जैसे कि C4 इक्वल्स टू C2 इनटू C3 है. ऐसा क्वेश्चन हमने आई थिंक जिस क्लास में रैंक डिस्कस किया था ना, बताया था. देखो 111 नहीं दिख रहा है, जैसे एक रो या एक कॉलम में अगर 111 होता है तो डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीरो बनाकर. इन चारों में से तीन को जीरो बना देंगे तो क्या करना पड़ेगा?
क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा? सेकेंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो से फर्स्ट रो को माइनस कर दीजिए। किसी रो या किसी कॉलम में अगर ऐसे सारे एलिमेंट्स वन वन है तो उनमें से एक को वन रखते हैं बाकी को जीरो बना देते हैं। ये काफी कॉमन सा टेक्निक है डिटरमिनेंट कैलकुलेशन में, और हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वाले पार्ट में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया। तो देखिए फर्स्ट रो को एज इट इज रखते हैं, वन टू फोर एट। सेकेंड रो से फर्स्ट रो माइनस करेंगे तो जीरो, थ्री माइनस टू वन, नाइन माइनस फोर फाइव। बेसिकली इसको ऐसे रखते हैं, जस्ट वन मिनट। एक चीज बताइए, ये जो थ्री है ना दिया जाएगा, मतलब बेसिकली टू थ्री माइनस टू, थ्री माइनस टू इस फॉर्म में रखते हैं, फायदा होगा देखिए। और नाइन माइनस फोर है ना, नाइन माइनस फोर को आप क्या लिख सकते हो? टू स्क्वायर। और ट्वेंटी सेवन माइनस एट को क्या लिख सकते हो? थ्री क्यूब माइनस टू क्यूब, टू क्यूब। ऐसे देखिए, थर्ड रो से अगर आपने फर्स्ट रो माइनस किया, थर्ड रो से फर्स्ट रो, वन वन माइनस वन जीरो, फोर माइनस टू, इसको इस फॉर्म में पता क्यों लिख रहा है, कुछ टर्म कॉमन चले जाएंगे। सिक्सटीन माइनस फोर को क्या लिख सकते हैं? फोर स्क्वायर माइनस टू क्यूब, टू स्क्वायर। सिक्सटी फोर माइनस एट, फोर क्यूब माइनस टू क्यूब, टू क्यूब, कुछ कॉमन जा रहा। फिर फाइव माइनस टू, फाइव क्यूब, फाइव स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, फाइव क्यूब माइनस टू क्यूब। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे ही लिखना है। इक्वल टू ये कैलकुलेट करना। अब बताइए कुछ कॉमन ले सकते हैं हम किसी रो किसी कॉलम से? कुछ कॉमन ले सकते हैं? जो सेकेंड रो है इसे क्या कॉमन लेंगे? थ्री माइनस टू कॉमन जाएगा, मतलब वन सेकेंड रो से, थर्ड रो से फोर माइनस टू, फोर्थ रो से फाइव माइनस टू, ठीक है। उसके बाद जब सिंप्लीफाई कर लीजिए आ जाएगा आंसर। तो इससे थ्री माइनस टू मतलब वन कॉमन जाएगा, थ्री माइनस टू, थर्ड रो से फोर माइनस टू, फिफ्थ रो से फाइव माइनस टू, और रिमेनिंग पार्ट इसके बाद ये कैलकुलेट करना आसान है। वन टू फोर एट जीरो वन, यहाँ पे क्या बचेगा? थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, बेसिकली फाइव था, थ्री प्लस टू फाइव, और ये आएगा सेवन माइनस एट। आ रहा है ना फाइव, और यहाँ पे नाइनटीन, आई थिंक नाइनटीन आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है? देन जीरो टू फोर प्लस टू सिक्स फोर, फिर यहाँ पे सिक्सटी फोर माइनस एट फिफ्टी सिक्स, जीरो यहाँ ऐसे रखते हैं अभी बाद में चेंज करेंगे। वन मिनट, थ्री यहां से तो वन आ जाएगा, दिस इज थ्री प्लस टू एंड दिस इज जो भी आ रहा है, थ्री स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस टू स्क्वायर। ऐसे कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। फाइनल आंसर इज ट्वेल्व, फाइनल आंसर इज ट्वेल्व। सर वही आएगा, सेम ही आ रहा है, फाइव माइनस टू थ्री, क्या बोल रहे हैं? फोर प्लस टू, मतलब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, क्या बोल रहे हैं? सेम आ रहा
क्या बोला आपने, ये फाइव ही आ रहा है ना, फाइव और फिर क्या रहा है नाइनटीन, और यहाँ पे क्या आ रहा है सिक्स सिक्स एंड देन ट्वेंटी एट ओके, और यहाँ पे तो वन आएगा देन सेवन थर्टी नाइन ओके। ये अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे अल्टीमेटली 12 आएगा। यहाँ पे भी आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर भी ये 111 आ गया है ना, ये 111 इसको भी आप 00 बना सकते हैं, बट डायरेक्ट डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फाइनल आंसर जो है इट इज इक्वल टू 12। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। कोई डाउट है तो बताइए। सर जैसे हमने रोज पे ऑपरेशन लगाया, हम कॉलम्स पे भी कर सकते हैं ना? कॉलम से ठीक है, कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है रो ऑपरेशन से करना, कर सकते हैं, फाइनल आंसर सेम आएगा। सर जो अगर कॉलम ऑपरेशन से सिंपलीफाई हो रहा है उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताइए। डिटरमिनेंट निकलेगा सर इसका, सर हम उसमें हम कॉलम के अलोंग भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं जैसे 1। हां बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ सर इसको एक ही मैट्रिक्स सॉल्व करनी होगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम के अलोंग जो डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं वो किसी रो किसी कॉलम के अलोंग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 1, और ये कैंसिल करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करेंगे, तो बेसिकली आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस क्वांटिटी। बाकी एलिमेंट तो जीरो है फर्स्ट कॉलम में ना, तो 1 इनटू दिस इसका डिटरमिनेंट, बाकी तो ये जीरो जीरो है तो इसका कंट्रीब्यूशन भी जीरो होगा, तो बेसिकली आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। एनी अदर डाउट? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, कोई डाउट है इसमें? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। D option. क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए 3x3 रियल मैट्रिक्स। अभी कुछ देर पहले बताया गया जो रियल मैट्रिक्सेस हैं उनका आइगन वैल्यू रियल भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्टार भी आइगन वैल्यू होगा, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ लैम्डा प्रेजेंट हो लैम्डा स्टार ना हो, लैम्डा अगर आइगन वैल्यू में प्रेजेंट है तो लैम्डा स्टार भी आइगन वैल्यू होना चाहिए। जस्ट ये प्रॉपर्टी यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी में आप नोटिस करो आयोटा तो है बट क्या माइनस आयोटा प्रेजेंट है? आयोटा एक कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू है दैट इज ऑल राइट, अगर ये आइगन वैल्यू होता तो लैम्डा स्टार भी प्रेजेंट होना चाहिए था, बट लैम्डा स्टार तो मिसिंग है यहां पर, तो इसीलिए ऑप्शन डी में जो आइगन वैल्यूज हैं वो किसी रियल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज तो नहीं हो सकते, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। चेक करके देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए 2i - 2i, 2i लैम्डा माइनस 2i लैम्डा स्टार। सेकंड ऑप्शन 111, तीनों रियल है कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो लैम्डा स्टार का जरूरत ही नहीं है, तीनों रियल है। थर्ड ऑप्शन में e⁻ i θ अगर लैम्डा है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा? e⁻ - i θ।
ये लैम्डा, ये लैम्डा स्टार, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है और कोई तरीका है, सपोज ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है, ये लैम्डा लैम्डा स्टार दोनों होने चाहिए, ये याद नहीं है, और कोई तरीका? सर ट्रेस कैलकुलेट करके। बिल्कुल, अगर रियल मैट्रिक्स है तो ट्रेस क्या होगा? रियल ही होगा। रियल ट्रेस होता है सम, और ट्रेस होता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू, तो ट्रेस दैट मीन सम ऑफ द आइगन वैल्यू, ये रियल आना चाहिए। अब बताइए फोर्थ ऑप्शन में रियल आ रहा है? रियल सिर्फ तीन ऑप्शन में आ रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी तीनों में सम कैलकुलेट कीजिए रियल आ जाएगा, सिर्फ डी ऑप्शन में रियल नहीं आ रहा है। दैट मींस डी ऑप्शन में जो आइगेन वैल्यूज हैं वो रियल मैट्रिक्स के आइगेन वैल्यूज नहीं हो सकते। तो अगर आपको यह प्रॉपर्टी याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। रियल मैट्रिक्स है तो ट्रेस रियल होना चाहिए, तो आइगेन वैल्यूज का सम भी रियल होना चाहिए, इसमें तो नहीं रियल नहीं है इनका सम। तो आई थिंक क्लियर एवरीवन, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली बता रहा है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू है लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री एंड सो ऑन, और आइगेन वेक्टर है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो हमें ए मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू पता है, सपोज ए मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू यह है और आइगेन वेक्टर यह है। तो क्वेश्चन है जे के ए इस मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू क्या होगा, के इज ए स्केलर कॉन्स्टेंट। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू पता है उसके साथ अगर हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस नए मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू क्या होगा, यही प्रॉपर्टी ये बता रहा है। तो जो के ए मैट्रिक्स है उसका आइगेन वैल्यू होगा के लैम्डा वन के लैम्डा टू के लैम्डा थ्री एंड सो ऑन, सारे आइगेन वैल्यू के साथ ये के कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइगेन वेक्टर सेम, आइगेन वेक्टर में कोई चेंज नहीं है, जो ए मैट्रिक्स का आइगेन वेक्टर है वो के का भी आइगेन वेक्टर होगा, चेंज किस में होगा, आइगेन वैल्यू में, आइगेन वैल्यूज में के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे अगर ए टू द पावर एम का आइगेन वैल्यू पूछा जाए, एम क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, हमको पूछा गया ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर फोर इन मैट्रिसेस का आइगेन वैल्यू बताइए, ठीक है। तो a टू द पावर m जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, इसका आइगन वैल्यू होगा लैम्डा 1 टू द पावर m लैम्डा 2 टू द पावर m एंड सो ऑन। मैट्रिक्स का पावर में जो m है वो m सारे आइगन वैल्यूज के पावर में आ जाएगा, आइगन वेक्टर्स सेम। नेक्स्ट अगर पूछा जाए जो a इनवर्स है, मैट्रिक्स का जो इनवर्स है a इनवर्स उसका आइगन वैल्यू क्या है, तो ए मैट्रिक्स का आइगेन वैल्यू अगर लैम्डा वन लैम्डा टू है, ए इनवर्स का आइगेन वैल्यू होगा वन बाई लैम्डा वन वन बाई लैम्डा टू एंड सो ऑन, आइगेन वेक्टर सेम। दैट मींस सपोज अगर बोल दिया गया एक मैट्रिक्स ए है जिसका आइगेन वैल्यू है माइनस टू थ्री प्लस फोर, ये तीन इसके आइगन वैल्यूज है, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स है। फिर आपको पूछा गया व्हाट विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 5a, तो क्या होगा, सारे आइगन वैल्यूज के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 10 15 20, मैट्रिक्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है वो सारे आइगन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाए जो ए क्यूब मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यू बताइए, तो जो आइगन वैल्यूज है उनके पावर में भी क्यूब चलाएगा, तो माइनस टू क्यूब माइनस एट थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन फोर
4 क्यूब 64 यार पूछा जाए ए का जो इनवर्स होगा ए इनवर्स उसका आइगन वैल्यू बताइए -1/2, -1/2, -1/3, 1/4 तो इस तरीके से अगर आपको ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है अगर आपको ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पता है तो आप के ए टू द पावर एम एंड ए इनवर्स इन मैट्रिसेस का आइगन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो आइगन वेक्टर वाला पार्ट है वो सेम है। और लास्ट पॉइंट यहां पे क्या लिखा गया एफ ए दैट इज पॉलिनोमियल इन ए तो फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए और किस टाइप का फंक्शन है पॉलिनोमियल इन ए तो अगर पॉलिनोमियल ऑफ ए है उसका आइगन वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ लैम्डा आइगन वेक्टर विल रिमेन सेम। इसका मतलब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो ये लास्ट पॉइंट जो है वो समझ में आएगा। सपोज आपको बोला गया आइगेन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब जस्ट वन मिनट ए का आइगेन वैल्यू पता है आपको पूछा गया आइगेन वैल्यू ऑफ ए क्यूब -5a +2i ये बेसिकली पॉलिनोमियल है ये बेसिकली क्या है पॉलिनोमियल ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ये गिवन है ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ये गिवन है और आपको पूछा गया ए क्यूब -5a + 2i इसका आइगन वैल्यू क्या होगा कोई बता सकता है आइगन वैल्यू क्या लिखा गया है एफ लैम्डा का मतलब है पॉलिनोमियल का जो फॉर्म है यही फॉर्म होगा जस्ट ए के बदले क्या रिप्लेस होगा लैम्डा तो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे देखिए इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होंगे टोटल 3 आइगन वैल्यूज हैं फॉर्मेट यही होगा ए क्यूब के बदले लैम्डा 1 क्यूब माइनस 5 lambda 1 plus 2 ये एक आइगन वैल्यू होगा दूसरा आइगन वैल्यू क्या होगा lambda 2 क्यूब माइनस 5 lambda 2 plus 2 एंड थर्ड आइगन वैल्यू lambda 3 क्यूब माइनस 5 lambda 3 plus 2 प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी केयरफुली हमारे पास मैट्रिक्स किस फॉर्मेट का है फंक्शन ऑफ ए जैसे देखिए ये फंक्शन ऑफ ए है ए क्यूब माइनस 5a + 2i तो इस मैट्रिक्स ए पॉलिनोमियल फॉर्मेट है इसका आइगन वैल्यू क्या होगा एफ ऑफ लैम्डा मतलब जो एफ ऑफ ए है ये जो एफ ऑफ ए है इसी ए में हम क्या रिप्लेस करेंगे लैम्डा रिप्लेस कर देंगे अब हमारे पास कितने लैम्डाज है 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 तो देखिए एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन है ए क्यूब माइनस 5a + 2i ए के बदले क्या रिप्लेस हो गया एक बार लैम्डा 1 रिप्लेस किया एक बार लैम्डा 2 रिप्लेस किया एक बार लैम्डा 3 रिप्लेस किया आई के बदले क्या है 1 और लैम्डा 1 क्या है लैम्डा 1 इज -2 लैम्डा 2 क्या है 3 और लैम्डा 3 क्या है 4 बता सकते हैं इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या आ रहा है 4, 14, 46. Please check everyone. Yara. समझ में आया लास्ट जो पॉइंट है इसके अकॉर्डिंग कैसे ये लिखा ये एक्सप्रेशन जो ये पॉलिनोमियल का फॉर्म होगा वही फॉर्म आइगेन वैल्यू में भी आएगा जस्ट मैट्रिक्स के बदले यहां पे आइगेन वैल्यू होगा एवरीवन गेटिंग दिस आंसर
नाउ इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, ये पॉलिनोमियल है हमने क्या देखा पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा उसी फॉर्मेट से आप आइगेन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट मैट्रिक्स के बदले लैम्डा रिप्लेस करना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बताइए अगर आपको बोला जाए आइगेन वैल्यू ऑफ ई टू द पावर ए, एक मैट्रिक्स है उसके एक्सपोनेंशियल का आइगेन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, एक आइगेन वैल्यू पता है तो क्या होगा ये होगा e टू दी पावर लैम्डा वन, e टू दी पावर लैम्डा टू एंड सो ऑन, बिकॉज जो e टू दी पावर a है e टू दी पावर a का अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो क्या पॉलिनोमियल का फॉर्मेट नहीं आएगा, e टू दी पावर a को अगर आप एक्सपेंड करो उसके अंदर क्या आएगा a स्क्वायर a क्यूब पॉलिनोमियल जैसे टर्म ही तो आएंगे, तो e टू दी पावर a का आइगन वैल्यू आप ये लिख सकते हैं। देखिए तरीका क्या है, यहां पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो e टू दी पावर a है, दिस इज f ऑफ a और f ऑफ a के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू का फॉर्मेट क्या होता है f ऑफ लैम्डा, तो जस्ट मैट्रिक्स के बदले आइगन वैल्यूज रिप्लेस किए गए हैं e टू दी पावर लैम्डा वन e टू दी पावर लैम्डा टू, आइगन वेक्टर सेम होगा या डिफरेंट होगा, आइगन वेक्टर सेम तो बताइए ये चीज और किस किस फंक्शन के लिए हम लिख सकते हैं बताइए, कॉम्प्लेक्स में हमने ऐसे सीरीज एक्सपेंशन तो पढ़े हैं, साइन कोसाइन के लिए भी तो लिख सकते हैं, साइन कोसाइन का जो एक्सपेंशन है उसमें भी तो पॉलिनोमियल टर्म्स ही आते हैं ए ए स्क्वायर ए क्यूब, तो कॉस ए इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होगा कॉस लैम्डा वन कॉस लैम्डा टू कॉस लैम्डा थ्री एंड सो ऑन, अगर a का आइगन वैल्यू पता है तो हम cos a का आइगन वैल्यू भी लिख सकते हैं। सिमिलरली sin a के लिए भी पॉसिबल है, आइगन वैल्यू ऑफ sin a, और किसी फंक्शन के लिए पॉसिबल है लिखना ऐसे, एनीवन सोचे थोड़ा, कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कॉस हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक्स में भी लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक, उसमें भी ट्रू होगा ही। सर हम लोग अगर एक टू दी पावर माइनस टू या ज्यादा के लिए निकालना होगा तब सर कोई प्रॉपर्टी है या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए, ए टू दी पावर माइनस टू माइनस थ्री, ए टू दी पावर माइनस टू जो है वो ए इनवर्स का सॉरी ए टू दी पावर माइनस टू जो है वो ए स्क्वायर का इनवर्स मैट्रिक्स है। यस सर। ठीक है तो उसके तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके सर। ठीक है अगर आपको ए स्क्वायर का पता है तो उसके इनवर्स का भी पता होगा। ठीक है तो ये सेम प्रॉपर्टी आप कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक के लिए भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक में भी ऐसे पॉलिनोमियल टर्म्स ही आते हैं। इसमें किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें? नाउ ये जो है इसके लिए ये जो प्रॉपर्टीज बताए गए इसमें देखा हमने e टू दी पावर a के आइगन वैल्यू z आते हैं। ठीक है आई थिंक लास्ट क्लास में ही कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे किसी ने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ ई टू दी पावर ए, ई टू दी पावर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या बताया गया था, टू द पावर ट्रेस ऑफ ए, ई टू दी पावर ट्रेस ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी जो है आप यही से प्रूफ कर सकते हैं कैसे आता। अब मुझे बताइए अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर ए कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई टू दी पावर ए
इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। यहाँ पे किसके आइगन वैल्यूज लेंगे, मैट्रिक्स ए की, ए टू द ए के क्यों लेंगे, ए टू द पावर ए के लेंगे ना, हाँ, ए टू द पावर ए का डिटरमिनेंट है ये, तो ई टू द पावर ए जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। इनके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं ऊपर लिखा गया। नाउ अगर आप ये एक्सपोनेंशियल ये प्रोडक्ट करते हैं इन टर्म्स का, तो पावर में एडिशन चला आएगा, ई टू द पावर लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री एंड सो ऑन। अब बताइए ये जो लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री है, ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, तो दिस इज ई टू द पावर ट्रेस ऑफ ए। तो यहां से आप ये प्रॉपर्टी काफी आसानी से समझ सकते हैं कैसे आए, डिटरमिनेंट ऑफ ई टू द पावर ए इज ई टू द पावर ट्रेस ऑफ ए। क्लियर एवरीवन? सर एक बार फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? सर एक बार ये वाला पार्ट समझ नहीं आया सर, फर्स्ट वाला सर, e की पावर लैम्डा वन सर, अच्छा आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है, ये इन आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है ना ये। ओके सर, हां सर समझ आ गया, डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। ओके सर ठीक है, एनी अदर डाउट इन दिस, जो भी इस दो स्लाइड में बताया गया? तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लीज ट्राई दिस, ये डीपीपी शीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक्स मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज गिवन है, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है, इसका आइगन वैल्यूज गिवन है माइनस टू माइनस थ्री। दूसरा मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पूछा गया है। ये जो मैट्रिक्स है अगर आप प्रोडक्ट करते हैं टर्म बाय टर्म, क्या आ रहा है, ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, क्या रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। यस सर। तो इसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट ही तो है, तो आइगन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ए ऑप्शन राइट, माइनस थ्री माइनस फोर, तो पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगा, मैट्रिक्स के बदले आइगन वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज है लैम्डा वन लैम्डा टू, तो एक्स स्क्वायर के बदले लैम्डा वन स्क्वायर, सिक्स एक्स सिक्स लैम्डा वन प्लस फाइव आई होगा राइट, यहाँ पर जस्ट फाइव नहीं होगा, फाइव आई, आई स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर। और 5i के बदले हो जाएगा 5। सिमिलरली सेकंड आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा 2 प्लस 5, जो मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन था उसमें ही लैम्डा 1 लैम्डा 2 रिप्लेस कर देंगे, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज लैम्डा 1 दिस इज लैम्डा 2। आंसर आएगा माइनस थ्री माइनस फोर फर्स्ट ऑप्शन। प्लीज चेक एवरीवन, आ रहा है ये? यस सर। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल तो है नहीं, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। Please try this question.
क्वेश्चन में बोला गया है ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज क्या है 1, 1, -3। तो ए 3x3 मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज गिवन है 1, -1, 3। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ऑप्शन अगर आप देखें वही पूछा गया है, कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अब मुझे बताइए नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो। तो नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू नॉन जीरो होगा। तो कौन सा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है? सी होगा क्या? तो नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब है जो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी डिटरमिनेंट नॉन जीरो आएगा और उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जस्ट आपको यही चेक करना है किस मैट्रिक्स के लिए ये प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू नॉन जीरो आएगा। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है ए स्क्वायर प्लस ए, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए। तो ये पॉलिनोमियल है, तो जो भी प्रॉपर्टी बताया गया था ए स्क्वायर प्लस ए, इसके बदले हो जाएगा लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा वन, लैम्डा टू स्क्वायर प्लस लैम्डा टू, लैम्डा थ्री स्क्वायर प्लस लैम्डा थ्री, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री क्वेश्चन में गिवन। तो बताइए इसमें आइगन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, ये लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री है। टू जीरो और क्या बताया, टू जीरो एंड टू जीरो नाइन, टू जीरो नाइन, तो टू जीरो नाइन आ रहा है। तो बताइए एक आइगन वैल्यू जीरो आ गया ना, तो इस केस में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आएगा, जीरो। तो डिटरमिनेंट भी कितना होगा, जीरो। एक आइगन वैल्यू भी अगर जीरो बन जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू जीरो होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू जीरो होने का मतलब डिटरमिनेंट भी जीरो आएगा। तो ये जीरो 12 आ रहा है, कैसे 12 होगा ना सर, 12 कितना रहा है, 20 12 तो 9 हो रहा। ओके, तो डिटरमिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? सिंगुलर। सिंगुलर तो ये रॉन्ग है, हमें तो नॉन सिंगुलर ढूंढना है। ऐसे बाकी ऑप्शन चेक कीजिए, सी ऑप्शन में जो मैट्रिक्स है उसमें नॉन सिंगुलर आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, इसमें सिमिलर मेथड से आइगन वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, तो वन स्क्वायर प्लस थ्री फोर, माइनस वन स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू, थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर 18। सी ऑप्शन में ये आ रहा है क्या आइगन वैल्यू, फोर माइनस टू 18। इस केस में देखिए तीनों आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हैं, तीनों आइगन वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू भी क्या आएगा, नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी दो ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, जो बी ऑप्शन है इसमें भी एक आइगन वैल्यू जीरो चला आएगा तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, डी ऑप्शन में भी एक आइगन वैल्यू जीरो चला आएगा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। सिर्फ सी ऑप्शन में सारे आइगन वैल्यूज नॉन जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू भी नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, और डिटरमिनेंट नॉन जीरो होने का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। डीपीपी शीट का क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। स्लाइड शो कर दीजिए सर। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो बताइए। हाँ सर, जो आज का सर पहला क्वेश्चन था ना। हेलो। हाँ बताइए। ये हेलो, ये जस्ट वन मिनट। हाँ सर, जो आज का जो पहला क्वेश्चन, ये पहले जो दो तीन स्लाइड्स है ना, ये मैं एक बार लिखना पड़ेगा, वो बीच में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क में तो वो सेव नहीं हुआ है। ठीक है, वीडियो में सेव हुआ होगा, इसमें मैं एक बार लिख के भेज दूंगा ये पहले दो तीन स्लाइड्स। हाँ बताइए, क्वेश्चन क्या था? स्लाइड नंबर 3 नहीं शो की। 3 में जो लिखा था वो सेव नहीं हुआ है, मैं फिर से लिख के सेंड कर दूंगा नोट्स में। वो नेट कुछ इशू हुआ था पीपीटी में, सेव नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट था क्या? सर आपने ना टेलीग्राम ग्रुप पे ना सर वो टेस्ट अनाउंस किया था सर, वो उसकी डेट मतलब सर कुछ कंफर्म है क्या? डेट बताई नहीं गई क्या अभी? नहीं सर, अभी तक बताई नहीं गई, और दो टेस्ट और उसके अलावा हो रहे हैं, लेकिन आपके टेस्ट की डेट नहीं बताई। चलो मैं एक बार बोल दूंगा उनको, इन्फॉर्म करूंगा। हेलो सर। हाँ बताइए। हाँ सर, वो आइगन वैल्यूज आर नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन था ना। Just one minute. Eigen values are negative. हाँ बताइए, doubt क्या है? सर उसे थोड़ा repeat कर दीजिए please. दो eigen value अगर negative होता है, दो negative number का sum क्या होता है? दो negative numbers हैं, उनको add करेंगे तो क्या आएगा? Negative या positive? Negative तो आएगा. Negative आएगा. और आइगेन वैल्यूज का सम क्या होता है? बेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो दो आइगेन वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसका सम भी नेगेटिव आएगा, और सम नेगेटिव आने का मतलब ट्रेस भी नेगेटिव आएगा। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं कौन से मैट्रिक्स का ट्रेस नेगेटिव है। दूसरा प्रॉपर्टी, दो आइगेन वैल्यू अगर नेगेटिव है उनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, और प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव। डिटरमिनेंट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे यूज किया गया। जब डिटरमिनेंट पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और दोनों नेगेटिव है तो सम नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन से मैट्रिक्स में ट्रेस नेगेटिव आएगा और डिटरमिनेंट पॉजिटिव आएगा, यही चेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ट्रेस चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन में जो मैट्रिक्स है इसमें ट्रेस नेगेटिव आएगा, फोर्थ ऑप्शन में जो मैट्रिक्स है इसमें ट्रेस नेगेटिव आएगा, बी और सी में ट्रेस पॉजिटिव आ रहा है, तो बी और सी नहीं हो सकता, ए एंड डी में से कुछ होगा। अब डिटरमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए, फर्स्ट मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट नेगेटिव, फर्स्ट वाले में डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? क्या डाउट है उसमें बताइए? रिकॉर्डेड वर्जन में मिल जाएगा ना? हेलो सर। हाँ बताइए। सर कल के क्लास सर एक डाउट था सर, जो आपने सर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट a = 0 कर दिया था,
बताइए। हेलो हाँ हाँ सर, वो उसका समझ आया। आपने बोल दिया कि कोई भी एक मैट्रिक्स मतलब कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स मतलब कि जीरो होगा, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन भी जीरो हो सकता है, ऐसा आपने कर दिया था। फिर सर उसका डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो लिख दिया था सर, वो कैसे आया थोड़ा वहां पर समझ में नहीं आया था। मैंने बोला था दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब किसी एक को जीरो होना जरूरी नहीं है। हाँ दोनों नॉन जीरो हो सकते हैं या लेकिन उनके डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा, जीरो होगा, सॉरी डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो तो वो तो जीरो आएगा ना। लेकिन लेकिन जो एक्स है, एक्स तो कॉलम मैट्रिक्स है, उसमें तो डिटरमिनेंट की बात ही नहीं करेंगे हम। डिटरमिनेंट हम किसकी बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो एक्स का डिटरमिनेंट की बात ही नहीं करेंगे तो किसका डिटरमिनेंट बचा, ए का, जो जीरो होना चाहिए। अच्छा अच्छा ओके सर। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो अगर है तो उनमें से किसी एक का डिटरमिनेंट जीरो होगा। ठीक है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट का कोई मतलब नहीं है, तो ए का ही डिटरमिनेंट जीरो होना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ओके सर थैंक यू। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।